मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम दोबारा से बात करने वाले हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 की, जिसमें हम बताएंगे कि कल का दिन यानी कि इस चैंपियनशिप का चौथा दिन भारत के लिए कैसा साबित हुआ और 22 अप्रैल के दिन भारत ने कितने मेडल्स जीते और साथ ही आज के दिन आपको कौन कौन से रेसलर्स एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। तो कल के दिन भारत की तरफ से विमेन फ्री स्टाइल का जो कैटेगरी इवेंट था वो खत्म हो गया और भारत ने अपने नाम किए हैं टोटल 3 मेडल्स, जिसमें शामिल है 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, जिसके साथ ओवरऑल भारत के विमेन फ्री स्टाइल ने इस चैंपियनशिप को फिनिश किया है 5 मेडल्स के साथ, यानी कि 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स। बात करते हैं तो डिफेंडिंग चैंपियन अंशु मलिक की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। 57 kg में वो खेलती हुई नजर आई और काफ़ी ट्रिमेंडस फॉर्म में वो नजर आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल्ड मेडल मैच में वो अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाई और जापान की रसलर के अगेंस्ट उन्हें बाय पिन हार का सामना करना पड़ा और सिल्वर मेडल से ही उन्हें संतोष करना पड़ा। वहीं दूसरा सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता राधिका ने 65 kg की कैटेगरी में। और वहीं बात करते हैं कल के दिन के तीसरे और आखिरी मेडल की, यानी कि जो कि रहा ब्रॉन्ज मेडल, और वो आया 62 kg कैटेगरी में, जो कि भारत की मनीषा ने अपने नाम किया, जिसके साथ भारत ने फिनिश किया अपने चौथे दिन को 3 मेडल्स के साथ, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। वहीं बात करते हैं तो उनके अलावा 2 और रेसलर्स वैसे एक्शन में देखने को मिली थी, स्वाति और निकी, जो कि कोई भी मेडल जीतने में नाकामयाब रही। यानी कि अभी तक भारत को अपने गोल्ड मेडल का ज़रूर इंतज़ार है और जिसका सारा का सारा दारोमदार मेंस फ्री स्टाइल पे रहने वाला है, जो कि आज से शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, आज से मेंस फ्री स्टाइल शुरू होगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे भारत के रसलर्स, काफ़ी नामी रसलर्स देखने को मिलने वाले हैं। और बात करते हैं तो आज के दिन आपको भारत की तरफ से देखने को मिलेंगे रवि कुमार दहिया, यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट और साथ ही साथ डिफेंडिंग चैंपियन 57 kg की कैटेगरी में। उसके अलावा बजरंग पुनिया 65 kg की कैटेगरी में, नवीन 70 kg की कैटेगरी में, गौरव बालियान 79 और आखिर में सत्यव्रत कादिया 97 kg की कैटेगरी में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के दिन भारत अपना गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे, जिसका अभी तक सभी को इंतज़ार है। जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो सुबह 9 बजे शुरू हो जाएंगे और बाकी जो मेडल बाउट्स रहेंगी, मेडल मैचेस रहेंगे, वो दोपहर 3:30 बजे खेले जाएंगे। तो चलिए फिर, ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए। मुझे उम्मीद है वीडियो यूजफुल रही होगी, रही है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स और इस चैंपियनशिप के रिलेटेड सभी जानकारी जानने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।